हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। लास्ट टाइम मैंने क्रिसमस के टाइम आपको फ्रैंकफर्ट की क्रिसमस मार्केट घुमाई थी। इस बार मैंने सोचा थोड़ा कुछ डिफरेंट करती हूँ और मैं आई हूँ आज फ्रैंकफर्ट के क्रिसमस गार्डन में। सर, ये गार्डन कैसा दिखता है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी मुझे बहुत अच्छी क्रिसमस वाइब्स आ रही है, इतनी सारी लाइट्स हैं और चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। पार्क में एंटर करते ही मुझे इतनी सारी लाइट्स दिखी और इतनी डेकोरेशन थी। आई थिंक 1 मिलियन लाइट्स कुछ मैंने पढ़ा था यहाँ पे है। और अभी मैं जिस स्पॉट के सामने हूँ वो है फ्रैंकफर्ट आइंट्राक्ट का लोगो। तो जो यहाँ की टीम है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जीता भी था मैच। और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ दूसरे वंडरलैंड में आ गई हूँ। ये जो क्रिसमस गार्डन है वो सिर्फ फ्रैंकफर्ट में नहीं है, वो जर्मनी के कई सारे शहरों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। काफ़ी टाइम के लिए रहता है, जैसे मिड ऑफ नवंबर टू मिड ऑफ जनवरी। और अभी तो मैं सिर्फ फ्रैंकफर्ट में आई हूँ, बट आप ड्रेसडन में जा सकते हैं, बर्लिन में जा सकते हैं, इवन कुछ इंटरनेशनल सिटीज़ में है, जैसे UK हो गया, स्पेन हो गया और फ्रांस हो गया। इनफैक्ट एक कॉम्पिटिशन भी चल रहा है कि अगर कोई यहाँ पर आके फ़ोटो अपलोड करता है कुछ हैशटैग डाल के, तो अगर वो जीत जाता है वो कंपटीशन, वो फोटोग्राफी कंपटीशन, तो नेक्स्ट ईयर 2 विनर्स को पेरिस वाले क्रिसमस गार्डन जाने का मौका मिलेगा विद होटल स्टे। एंड जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ विनर होंगे उनको किसी भी 2 क्रिसमस गार्डन के टिकट्स दिए जाएंगे फ्री में। आज इस इवेंट में आने के लिए मैंने मनोज और नेहा को बोला था कि बस आपको कहीं चलना है, और उनको डेस्टिनेशन नहीं बताई थी। और एक हफ्ते से मैं उनको बस बोल रही थी या तो आप गैस कर लीजिए या फिर मैं उसी दिन बताऊंगी। और आज आते आते नेहा ने गैस कर लिया, बट मनोज गैस नहीं कर पाए। बट अब आपको कैसा लग रहा है? देखो, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पहली बार ऐसे लाइफ में किसी ने सरप्राइज के लिए, है ना? यस। और बहुत ही वंडरफुल फीलिंग है, बहुत ही अच्छा लाइटिंग हो रही है और दिल भी एकदम गार्डन गार्डन हो गया है क्रिसमस गार्डन में आके। अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया और बस हम फोटो ही क्लिक कर रहे हैं। डॉक्टर पापा या मैंने बोलो वाओ वाओ बोलो क्यों हमें क्या है ये सामने वो क्या है वो हो रहा है क्या? यस, मैरी क्रिसमस। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ये क्रिसमस गार्डन घूम के। और काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे ये एंट्री टिकट फ्री नहीं है, तो बहुत रश नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ में, बच्चों के साथ भी, बच्चे भी इंजॉय करेंगे और बड़ों के लिए तो है ही। खैर, फोटोग्राफी वगैरह का अगर शौक है तो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। तो मैं चलती हूँ आगे देखने कुछ खाने पीने को क्या है यहाँ पे।
एक और चीज़ अच्छी है यहाँ पे, वो ये है कि जब आप अपने फैमिली के साथ या बच्चों के साथ आते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक फिगर टाइप का साइड में बना हुआ है, जैसे को सांता क्लॉस का हो सकता है, वो क्रिसमस वाली कुकी होती है जो स्नोमैन वाली, उसके शेप का है, और आगे मुझे कुछ फेरीज भी दिख रही हैं। अब तक की जो मुझे इस क्रिसमस गार्डन की बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो ये है, इसमें कितनी इस क्रिसमस गार्डन की बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो ये लाइटिंग का सेटअप है, एंड म्यूज़िक प्ले हो रखी है बैकग्राउंड में, एंड उस म्यूज़िक के हिसाब से यहाँ पे लाइट्स चेंज हो रही है, बट यहाँ पे रहना ही बिल्कुल ऐसे बहुत ही गुड फीलिंग लग रही है, लाइट्स जैसे जैसे चेंज हो रही है, ट्विंकल कर रही हैं, मन कर रहा है बस खड़ी रहूँ मैं थोड़ी देर तक एंड इसको फील करती रहूँ। सो खाने पीने के लिए यहाँ पे एक दो स्टॉल्स हैं, और वहाँ पे एक स्पेशल विंटर ड्रिंक भी मिल रही है, किंडर पुंच, जो कि अल्कोहल फ्राई होती है और उसके अंदर थोड़ा कई सारे फ्रूट्स, फ्रूट जूस को वार्म करके और सिनेमन डाल के और जो विंटर हर्ब्स होते हैं स्पेशल उसको बनाते हैं एंड वार्म करके देते हैं, देन फांड होता है, आप जब ग्लास रिटर्न करते हो अपना जो स्पेशल कप है तो आपको वो फांड वाल वापस मिल जाती है। सो अब मैं आ गई हूँ इस क्रिसमस गार्डन के लास्ट सेक्शन में, और कई सारे दिल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, एक काफ़ी बड़ा सा दिल बना हुआ है, एंड देन एक गार्डन है जो कि ढेर सारे छोटे छोटे दिल बने हुए हैं, और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आगे एक करोजल भी दिख रहा है मुझे, नहीं पता वो हम बड़े लोगों के लिए है कि नहीं, बट जाके पता चलेगा। सो अभी तक पूरा क्रिसमस गार्डन कवर करने के बाद मुझे ओवरऑल ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत ही एक रिलैक्स्ड, एक थोड़े से अपने लिए, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करने जब जाते हैं बाहर अपने क्लोज वंस के साथ, तो उसके लिए बेस्ट टाइम लग रहा है। और अगर मेरे से बोला जाए कि क्या मैं किसी को रेकमेंड करूँगी, तो ऑब्वियसली मैं करूँगी। अगर आप जो है कोई ऐसी शांति वाली लोकेशन पर जाना चाहते हैं और आप लाइट्स पसंद करते हैं और बहुत ही आपके पास टाइम है, मतलब 2 घंटे आप आराम से वॉक कर रहे हैं धीरे धीरे और एडमायर कर रहे हैं जो आसपास के फिगर्स यहाँ पे लाइटिंग वाले सेटअप किए हुए हैं, जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं खाने पीने के, और जो ट्रीज़ में अच्छी अच्छी चीज़ें डेकोरेट की है, जैसे बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स है, जैसे स्पाइडर वेब लगा रखा है कई सारे ट्रीज़ में और एक छोटा सा पैसेज है, तो देख के ऐसे ऑ वाली फीलिंग आ रही है, वाव वाली फीलिंग आ रही है। तो मुझे, अगर आपका भी ऐसा सिमिलर थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप भी डेफिनेटली आ सकते हैं। और बाकी दिस वीडियो हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय क्रिसमस गार्डन टीम, एंड मुझे लगता है मैं नेक्स्ट ईयर किसी अगर और शहर में रही जहाँ पे क्रिसमस गार्डन होता है ड्यूरिंग क्रिसमस, तो मैं वो ज़रूर कवर करूँगी और देखूँगी कि क्या डिफरेंस है फ्रैंकफर्ट वाले क्रिसमस गार्डन से एंड उस स्पेसिफिक गार्डन में, जैसे कि या तो वो पेरिस का हो सकता है, वो जर्मनी के किसी दूसरी सिटी का हो सकता है, या फिर वो स्पेन या फिर वो यूके का हो सकता है। तो हम ऑलमोस्ट ये गार्डन कवर करने वाले हैं, और अब नेहा से पूछते हैं कि उनको ये गार्डन कैसा लगा और क्या वो रिकमेंड करेंगे किसी को इस गार्डन में आने के लिए। सच बताऊं तो मुझे सरप्राइज भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसको काफी देर से फॉलो कर रही थी फेसबुक पे कि कुछ क्रिसमस गार्डन नाम की चीज है डॉचे बैंक पार्क में,
एंड जब मैंने गेस किया और इसने हाँ किया, आई थिंक दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, कि मुझे बहुत अच्छा लगा, सारी थकान दूर होगी मेरी. आई मीन आई कुड विजुलाइज ऑल द लाइट्स. आई थिंक जिन लोगों को भी लाइट्स अच्छी लगती है, जिनके हैप्पीनेस आती है लाइट्स देखे, उनको ज़रूर आना चाहिए. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिसमस डेकोरेशन अराउंड इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट. बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है. आई थिंक इट्स वर्थ अ वॉच. इट्स वर्थ अ वॉच. और जिनके पास बच्चे हैं उन्हें भी लेके आओ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. प्लेन, ट्रेन, बहुत कुछ है देखने के लिए. आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. आई मीन मैं लाइट्स की बहुत फॉन्ड हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और अगर किसी को लाइट्स अच्छी लगती है, क्रिसमस ट्रीज अच्छे लगते हैं, आई थिंक इट्स वर्थ अ वॉच. कम ओवर. सबको रिकमेंड करूंगी मैं. एक बार तो आ ही सकता है सब लोग, है ना. और वो आपको, हाँ, और वो आपको ड्रिंक कैसी लगी? ओह, किंडर पंच, वो तो मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैं ग्लू वाइन अभी नहीं पी सकती, तो इसलिए किंडर पंच इज माय लाइफ. में तो घर में भी सारे जूस मिक्स करके गर्म करके सिनेमन डाल के पी लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक किंडर पंच इज विंटर. विंटर इक्वल टू किंडर पंच. अगर ग्लू वाइन नहीं पीनी तो, वरना कि क्रिसमस इक्वल टू ग्लू वाइन. सो अब मुझे यहाँ से एक ट्विंकलिंग लाइट्स दिख रही है एक फील्ड में, तो मतलब एक बहुत बड़ी सी ट्यूलिप गार्डन जैसी, मतलब फॉर एग्जांपल एक फील्ड है और वो उससे टिमटिमा रही है उसमें लाइट्स. तो अब हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं वो कैसी है. मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ इस मिसलटो प्लांट के अंदर. और बाकी ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. बाय.